क्या अप्सरा मंदिर से भी तपोबल बढ़ता है? ये प्रश्न आया है मेरे पास, तो आज इस विषय पर ही बात करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें तपोबल से रिलेटेड सभी बातों को क्लियर करने का प्रयास करूंगा और कुछ बातें अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा, और वीडियो के लास्ट में तपोबल को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके भी बताऊंगा। अगर जरूरत हुई तो इस टॉपिक पर एक और पार्ट में वीडियो बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो प्रश्न है कि अप्सरा मंत्र से तपोबल बढ़ता है या नहीं बढ़ता, इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि तपोबल होता क्या है। तपोबल का अर्थ है आपकी तपस्या से बनने वाली शक्ति, तपस्या से बनने वाला तेज, ऊर्जा शक्ति या आत्मबल। और किसी भी साधना को पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष सिद्ध करने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इसी तपोबल की पड़ती है। आपके पास तपोबल होगा तो मंत्र का लाभ शीघ्र दिखेगा, क्योंकि आपका तेज ही किसी भी देवी या देवता को आपके पास आने के लिए आकर्षित करता है। इस तेज में आकर्षण शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है जिससे आपके मंत्र को गति मिलती है। आपका मंत्र ज्यादा दूर तक इथर में यात्रा कर पाता है और आपके लक्ष्य तक पहुंच पाता है। इथर क्या है? इथर वो तत्व है, वो एलिमेंट है जिसमें मंत्र ट्रेवल करते हैं। जहां हवा नहीं है वहां भी इथर है, इसलिए सभी मंत्र इसी में चलते हुए आपके इष्ट तक, आपके देवी या देवता के लोक तक पहुंच पाते हैं। अब आप में अगर तपोबल नहीं है तो मंत्र बीच रास्ते में ही खत्म हो जाएगा और आपके इष्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपकी बाइक, स्कूटी या गाड़ी में ऊपर से चाहे जितने मर्जी चमक रही हो, साफ सुथरी हो, लग रही हो, पर उसमें पेट्रोल या डीजल नहीं होगा तो आप जितना मर्जी उपाय कर लीजिए, आप उस वाहन से कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। या अगर कम पेट्रोल होगा तो भी बीच में ही आपको यात्रा रोकनी पड़ेगी। तो जितनी दूर तक जाना चाहते हैं उतना पेट्रोल या डीजल आपकी गाड़ी में होना चाहिए। यही नियम साधना सिद्धि में लागू होता है। लोग साधना का मंत्र मिलते ही 3 दिन या 11 दिन में सिद्धि का सोचकर बैठ जाते हैं, और जब इतने दिन कोई अप्सरा, कोई यक्षिणी, कोई परी नहीं आती है तो फिर मंत्र क्षेत्र को ही बकवास कहने लगते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि मंत्र साधना एक विज्ञान है, साइंस है, यह कोई अंधविश्वास पर नहीं चलता। इस क्षेत्र से फायदा उठाने के लिए आपको मंत्र साइंस के सभी रूल्स को फॉलो करना होगा। इसके नियमों को आप हल्के में लेंगे तो सारी जिंदगी भटकते रहेंगे या मंत्र को ही अंधविश्वास कहने लगेंगे। और जो लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं वो वही लोग होते हैं जो कभी किसी भी साइंस की गहराई में नहीं जाना चाहते। किताबों से पढ़कर कोई स्विमिंग नहीं सीख सकता, उसके लिए तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। और गहराई में कोई मोती पड़ा हो तो आपको अंडर वाटर डाइव आना चाहिए, पानी के नीचे तैरने की कला आनी चाहिए, वरना किनारे बैठे बैठे आप यही बोलते रहेंगे कि गहराई में कुछ नहीं है। खैर, ये भी व्यक्ति के ग्रह दोष ही होते हैं जिसकी वजह से वो ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ पाता, रिसर्च नहीं करता और नास्तिक बना रहता है। मैंने कई ऐसे व्यक्तियों को जो एक नंबर के नास्तिक थे, ऐसे लोगों को जब उनकी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय बताए तो थोड़े ही समय में वो नास्तिक से आस्तिक बन गए और साधना के मार्ग पर आ गए। बड़े बड़े नास्तिकों के हाथ में मैंने मालाएं पकड़ाई, और ये तभी संभव हो सका जब उनके ग्रहों की शांति करी गई और जब उन्हें मंत्र से कैसे काम लिया जाता है ये साइंस समझ में आ गया। आज उनमें से कई लोग अपना तपोबल बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब तपोबल क्या है ये तो समझ में आ गया, पर तपोबल बढ़ाने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि ये बनता कैसे। ये बनता है आपके संकल्प को पूर्ण करने से, एक ही आसन पर 4 घंटा लगातार बैठे रहने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, अपनी समस्त इंद्रियों को अपनी इच्छा अनुसार चलाने से, मन को नियंत्रित करने से, आत्म अनुशासन से। और सबसे अधिक तपोबल बढ़ता है विशेष प्रकार के मंत्रों के जप से या फिर अनुष्ठान करने से। अनुष्ठान के ऊपर पहले से वीडियो बना हुआ है, जिनको नहीं पता है कि अनुष्ठान क्या होता है वो मंत्र सिद्धि रहस्य प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सभी मंत्र से तपोबल नहीं बढ़ता है। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में नजर दोष निवारण मंत्र बताया है या झगड़े दूर करने का मंत्र बताया है, तो उनसे तपोबल नहीं बढ़ेगा। तपोबल बढ़ाने के लिए गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, नवाड़ मंत्र या महाविद्या मंत्र ही सबसे बेस्ट माना जाता है। जितनी भी शक्ति साधनाएं हैं उन सब से शक्ति की प्राप्ति होती है, फिर चाहे वो माँ काली की साधना हो, माता बगलामुखी की साधना हो, या अन्य कोई महाविद्या हो, या फिर
माँ दुर्गा की साधना हो या सिद्ध कुंजिका का जप हो, इनमें से कुछ भी आप थोड़ा सा भी जप करेंगे तो बहुत अधिक तपोबल आपके अंदर बनने लगेगा। अब थोड़ा सा जप मतलब कितना होता है, ये प्रश्न भी आ सकता है कुछ लोगों के माइंड में कि मान लीजिए कि आपको अप्सरा को ही प्रत्यक्ष करना है तो कितना शक्ति मंत्र करें कि उसको प्रत्यक्ष करने लायक तपोबल इकट्ठा हो जाए। तो किसी प्रत्यक्ष सिद्धि को पाने के लिए आपको अपनी साधना में 3 माला रोज नवाड़ मंत्र या शक्ति मंत्र करना होगा। कम से कम इतना जप जरूरी है, वो भी नित्य जप, क्योंकि इससे कम में इतना तपोबल बनेगा ही नहीं कि आप किसी देवी देवता अप्सरा यक्षिणी को प्रत्यक्ष देख पाए। इससे अधिक जप करना चाहें तो 5 माला, 7 माला या 11 माला भी डेली जाप कर सकते हैं। इसमें माला की संख्या कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। और इसमें कोई संकल्प लेने की भी जरूरत नहीं है कि आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं 11 माला नवाड़ मंत्र जब अपना तपोबल बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये शक्ति मंत्र है तो सामान्य जप करने से भी ऊर्जा शक्ति ही प्राप्त होगी। आप संकल्प लें या ना लें, इस मंत्र को करने से आपका तपोबल बढ़ेगा ही। हाँ, अगर आप ये मंत्र किसी अन्य कार्य के लिए कर रहे हैं तो फिर संकल्प लेना पड़ेगा। अब इसमें एक बात और ये भी है कि कितना तपोबल होना चाहिए। क्या थोड़ा सा तपोबल इकट्ठा करके किसी भी अप्सरा यक्षिणी भूत प्रेत या भैरव महाविद्या के दर्शन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये नियम सभी साधना के लिए एक जैसा नहीं है। जितनी उच्च कोटि की शक्ति है, जितनी उच्च कोटि की शक्ति को आप प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, उतना अधिक तपोबल आप में होना चाहिए। सामान्य रूप से डेली 3 माला नवाड़ मंत्र या महाविद्या मंत्र या अन्य कोई शक्ति मंत्र से आप कुछ ही दिनों में अप्सरा और उसके लेवल की अन्य इतर प्राणियों को आप अनुभव करने लायक बन जाएंगे। पर अगर आपका लक्ष्य किसी भैरव या महाविद्या के दर्शन करने का है, तो फिर इतने से तपोबल से बात नहीं बनेगी। फिर तो पहले आपको अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा शक्ति इकट्ठी करनी होगी, हर तरीके से अपने अंदर बहुत अधिक तेज इकट्ठा करना पड़ेगा। क्योंकि साधक में तेज की कमी होगी तो ऐसी साधना में पूर्ण सफलता नहीं मिल पाएगी। बिना तेज इकट्ठा किए आप भैरव और उच्च कोटि की साधना को करेंगे तो आपकी साधना और अनुष्ठान सब बेकार चला जाएगा। जितना भी मंत्र कर लो, तपोबल नहीं होगा तो मंत्र में गति ही नहीं आएगी। मंत्र जहां है वहीं पड़ा रहेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, इतर में यात्रा ही नहीं कर पाएगा। और आपके अंदर तेज की कमी होगी तो आप इतने अधिक तेजस्वी शक्तियों को अपने अंदर समाहित ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने पहले एक वीडियो में उदाहरण दिया था कि 40 वॉट का बल्ब है तो उसमें 1000 वॉट की ऊर्जा प्रवाहित नहीं कर सकते, और अगर जबरदस्ती करी गई तो बल्ब फट जाएगा। तो यही हाल साधक का होता है अगर उसकी तैयारी कच्ची है। एक साधक गुरु मंत्र मिलते ही सीधे कृत्या साधना करने बैठ गए और साधना शुरू करते ही सिर में दर्द होने लगा, तबीयत खराब होने लगी। तो ऐसे कई साधक मैंने देखे हैं जो साधना को बिना किसी तैयारी के करने बैठ जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो जैसी सिद्धि चाहिए आपको उतना तपोबल होना चाहिए। भूत प्रेत की सिद्धि जल्दी होने के पीछे यही कारण है कि एक तो वो आसपास ही रहते हैं तो मंत्र को ज्यादा दूर तक नहीं भेजना पड़ता, आपकी थोड़ी सी ऊर्जा से ही मंत्र उन तक पहुंच जाता है। और दूसरी बात, इनमें तेज की कमी होती है इसलिए साधक इनको जल्दी सिद्ध कर लेता है। अब अप्सरा सिद्धि के लिए कोशिश कर रहे हैं तो 3 माला शक्ति मंत्र से काम चल जाएगा। बाकी जितना अधिक तपोबल रहेगा उतनी अधिक शीघ्रता से अनुभव या सिद्धि हो पाएगी। अप्सरा साधना में एक प्लस पॉइंट यह भी होता है कि वो खुद भी चाहती है कि कोई साधक उसे बुलाए। तो जैसे ही उसे थोड़ा सा समर्पित साधक दिख जाता है तो वो स्वयं भी अपनी ऊर्जा समय समय पर साधक के अंदर प्रवाहित करती रहती है, जिससे कि साधक उसे अनुभव कर सके और प्रत्यक्ष कर सके। अब जो साधक का सवाल है कि अप्सरा मंत्र से तपोबल बढ़ेगा कि नहीं, तो इसका उत्तर यही है कि अप्सरा मंत्र से भी तपोबल बढ़ता है, पर अप्सरा मंत्र नित्य केवल 5 माला या 11 माला जब से तपोबल नहीं बढ़ेगा। उसमें तपोबल तब बढ़ेगा जब आप नित्य 51 माला या 101 माला जप कर रहे हो। किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करने से तपोबल बढ़ता है, फिर चाहे वो अप्सरा मंत्र हो, यक्षिणी मंत्र हो
या फिर चाहे भूत प्रेत का ही मंत्र क्यों ना हो। अब आप कहेंगे भूत प्रेत के मंत्र का अनुष्ठान करने से तपोबल कैसे बढ़ सकता है? तो यहां तपोबल बढ़ता है आपके नित्य 5 घंटा बैठने से। आपने जो संकल्प लिया है कि रोज 100 माला भूत मंत्र करेंगे और आप जप कर रहे हैं, तो आपके संकल्प को पूर्ण करने से आपके अंदर संकल्प की ऊर्जा जन्म लेगी, आपकी आत्मा में शक्ति इकट्ठी होने लगेगी, इसी से तेज बनने लगेगा और सिद्धि का दर्शन संभव होने लगता है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि आप किसी भी रूप में तप करेंगे तो तपोबल बढ़ेगा ही। अब संकल्प शक्ति क्या होती है और उससे तपोबल कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो जल्दी ही चैनल पर आ जाएगा। और एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने टेलीग्राम पर भी चैनल बनाया हुआ है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं साधकों के लिए साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी जानकारी है वो समय समय पर वहां देता रहता हूं, और कभी कभी वहां पर लाइव आकर आपके प्रश्नों के उत्तर भी देता हूं, क्योंकि कई ऐसी बातें होती हैं जिन पर जल्दी से वीडियो बनाकर अपलोड करने का समय नहीं होता, तो ऐसे में टेलीग्राम चैनल पर तुरंत वो जानकारी सभी तक पहुंच जाती है। यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर भी लिखने से कभी कभी सबको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है, इसलिए आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो इस वीडियो से आपने जाना कि तपोबल बढ़ाने के लिए आप गुरु मंत्र, नवाण मंत्र, गायत्री मंत्र, महाविद्या मंत्र कर सकते हैं, या अपनी कोई भी प्रत्यक्ष सिद्धि की साधना के मंत्र का अनुष्ठान करके तपोबल बढ़ा सकते हैं। तपोबल के बढ़ने से हर प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति संभव है। तपोबल बढ़ने से आपके चक्र जागृत हो सकते हैं, दिव्य दृष्टि खुल सकती है, और फिर किसी भी साधना को पहली बार में सिद्ध किया जा सकता है। देवी देवताओं के अनुभव होने लगते हैं, साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है, देवी देवता स्वप्न के माध्यम से भी गाइड करना शुरू कर देते हैं। तपोबल अगर बहुत अधिक हो जाए तो साधना में न्यूनता के बाद भी सफलता मिलने लगती है, थोड़ा सा मंत्र जप करो तो भी ज्यादा लाभ मिलने लगता है। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा कि आपके भाग्य में परिवर्तन आपके तपोबल से ही होगा, बिना तपोबल के कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। जब साधक तपोबल इकट्ठा करता है तो पहले देवी देवता के स्वप्न में अनुभव होते हैं, और उसके बाद जब तपोबल और अधिक बढ़ जाता है तभी स्वप्न अवस्था के आगे के अनुभव हो पाते हैं, चंद्रावस्था या तुरीयावस्था के अनुभव होते हैं, और जब बहुत अधिक तपोबल हो जाता है तो साधक को प्रत्यक्ष अनुभव या दर्शन प्राप्त हो पाते हैं। चलिए, इस वीडियो में काफी बातें हो गई। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं तपोबल बढ़ाने के कुछ अन्य तरीके बताऊंगा, और इसके अलावा संकल्प शक्ति को कैसे जल्दी बढ़ाया जा सकता है वो भी बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय गुरुदेव।